गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर जीके टीचर. आई एम फ्रॉम सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल. वेलकम टू क्लास CKC. डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियोस में हमने पेट एनिमल्स सीखे थे. पेट एनिमल के बारे में पढ़ा था बच्चों. पेट एनिमल्स में हमने देखे थे रैबिट, कैट, शेप, डॉग, गॉड, काउ, हैन, डक, हॉर्स, कैमल, डंकी. ये सब क्या देखे थे हमने? पेट एनिमल्स नेम देखे थे. आई होप आपने अपनी नोटबुक में राइट एंड लर्न दोनों कर लिए होंगे. आज बच्चों हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो बच्चे देखो, आज हमारा नया टॉपिक क्या है? बच्चों आज हमारा नया टॉपिक है वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स, WILD, वाइल्ड एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर, जंगली जानवर. तो बच्चों वाइल्ड एनिमल्स बच्चों वो होते हैं जो एनिमल जो जंगल में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वाइल्ड एनिमल्स. अब देखो बच्चों, सबसे पहले देखो मंकी. दिस इज अ मंकी. एम फॉर मंकी. MONKEY, मंकी. मंकी मीन्स बंदर. मंकी मीन्स बंदर. दिस इज ए मंकी. मंकी ईट फ्रूट्स एंड लीव्स. मंकी ईट फ्रूट्स एंड लीव्स. बच्चों मंकी को हिंदी में क्या बोला जाता है? बंदर. और ये फ्रूट्स खाता है और पत्तियाँ खाता है. मंकी इज वेरी नॉटी एनिमल. मंकी इज ए वेरी नॉटी एनिमल. बच्चों सबसे नॉटी एनिमल होता है मंकी. क्या होता है? मंकी इज ए वेरी नॉटी एनिमल. ये सबसे नटखट एनिमल होता है. और बच्चों ये सबसे नॉटी एनिमल होता है. और बच्चों ये हमारे हम जो करते हैं उसकी नकल भी करता है. तो सबसे नॉटी एनिमल बोला जाता है. आगे देखो बच्चों, सेकेंड CHIMPANZEE, चिंपैंजी. सी फॉर चिंपैंजी. दिस इज ए चिंपैंजी. बच्चों दिस इज ए चिंपैंजी. बच्चों चिंपैंजी ग्रुप में रहता है. ये क्या होता है बच्चों? ये ग्रुप में रहता है. और ये फलारी होता है, मतलब ये फल खाता है जैसे गन्ना, अनानास, केला, आम तथा अन्य फल खाता है. साथ साथ में बच्चों ये क्या करता है? ये कीड़े मकोड़े भी खाता है और अंडे भी खाता है. तो बच्चों ये क्या क्या खाता है? ये फ्रूट्स खाता है, गन्ने, अनानास, कोको, केला, ये सब क्या खाता है? फल खाता है. और ये कीड़े मकोड़े और अंडे भी खाता है. और किस में रहता है बच्चों? ये ग्रुप में रहता है. आगे देखो बच्चों, 3 नंबर का बियर. दिस इज ए बियर. दिस इज ए बियर. बी फॉर बियर. BEAR, बियर. बियर मीन्स भालू. बियर मीन्स भालू. बच्चों इसे भालू और इस दोनों नाम से जाना जाता है. इसे भालू भी बोला जाता है और रिच भी बोला जाता है. इसे दोनों नामों से बोला जाता है. बच्चों बियर ग्रुप की बजाय अकेले रहना पसंद करता है. बच्चों चिंपैंजी तो क्या था? वो तो ग्रुप में रहना पसंद करता है. और भालू क्या होता है? ये ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता. ये ग्रुप में नहीं रहना चाहता. बियर दोनों चीज़ें खाता है बच्चों. ये बच्चों वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है. ये दोनों चीज़ें खाता है. इसे सर्वाहारी बोला जाता है क्योंकि दोनों चीज़ें खाता है. ये मांस भी खाता है और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये दोनों चीज़ें ही खाता है. आगे देखो बच्चों, जी फॉर जिराफ. जी फॉर जिराफ. दिस इज ए जिराफ. दिस इज ए जिराफ. GIRAFFE, जिराफ. जी फॉर जिराफ. जिराफ मीन जिराफ. दिस इज ए जिराफ. जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक. जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक. बच्चों जिराफ की सबसे लंबी गर्दन होती है. जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक. यू नो स्टूडेंट, जिराफ हैज ए टॉलेस्ट एनिमल्स. जिराफ हैज ए टॉलेस्ट एनिमल्स.
बच्चों जिराफ सबसे लंबा एनिमल होता है, सबसे बड़ा जानवर होता है। और बच्चों इसकी क्या होती है, इसकी सबसे लंबी गर्दन होती है। जिराफ हैज़ ए लॉन्ग नेक। इसकी क्या होती है बच्चों, इसकी लॉन्ग नेक होती है। आगे देखो बच्चों, एल फॉर लायन। एल फॉर लायन, एल आई यू एन लायन। लायन मीन्स शेर, लायन मीन्स शेर। बच्चों लायन को क्या बोला जाता है, जंगल का राजा। लायन को क्या बोला जाता है बच्चों, जंगल का राजा। दिस इज ए लायन, लायन कॉल्ड किंग्स ऑफ जंगल, जंगल का राजा होता है। बच्चों ये कार्निवर्स होते हैं, क्योंकि ये क्या, ये मांसाहारी होते हैं, ये मांस खाते हैं, ये कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं। आगे देखो बच्चों, राइनासोर्स। राइनासोर्स, आर फॉर राइनासोर्स, आर एच आई एन ओ सी ई आर ओ एस, राइनासोर्स। बच्चों इसे शॉर्ट में राइना बोला जाता है, और हिंदी में से गेंडा बोला जाता है, हिंदी में से गेंडा बोला जाता है। हाथी के बाद में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, हाथी के बाद में क्या होता है, ये सबसे बड़ा एनिमल्स होता है। और बच्चों ये सबसे ज़्यादा भारी और वजनी जानवर है, सबसे ज़्यादा वजन वाला जानवर है। साइंटिस्ट ये बोलते हैं बच्चों, ये पिछले 5 करोड़ सालों से धरती पे रहते हैं, 5 करोड़ साल से ये क्या है, ये धरती पे रहते हैं। और बच्चों इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, गेंडा बोला जाता है, और ये बहुत ज़्यादा वजन वाला होता है। आगे देखो बच्चों, दिस इज ए टाइगर। दिस इज ए टाइगर, टी फॉर टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर। टाइगर मीन्स टाइगर मीन्स बाघ। बच्चों टाइगर रन्स वेरी फास्ट। बच्चों ये बहुत तेज भागता है। इट इज़ कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। टाइगर बॉडी हैव येल्लो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स। बच्चों इसकी बॉडी में येल्लो एंड ब्लैक कलर की क्या होती है, स्ट्रिप्स होती है। और ये सबसे तेज फास्ट रन करता है, सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल होता है। और ये क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर होता है। आगे देखो बच्चों, F O X, फॉक्स मीन्स लोमर्ड, फॉक्स मीन्स लोमर्ड, F O X, फॉक्स मीन्स लोमर्ड। दिस इज ए फॉक्स। बच्चों फॉक्स एक चालाक और बुद्धिमान एनिमल होता है। बच्चों ये क्या होता है, सबसे चालाक और बुद्धिमान एनिमल होता है। और ये दोनों होता है, सर्वाहारी होता है, मतलब ये वेजिटेरियन यानी फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी खाता है, एंड नॉन वेजिटेरियन यानी मीट ये सब चीज़ें भी खाता है, मांस भी खाता है। तो इसे ये सर्वाहारी एनिमल्स होता है। जो ये बहुत चालाक और बुद्धिमान एनिमल होता है, और ये 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। आगे देखो बच्चों, डी फॉर डियर। दिस इज ए डियर, डी ई आर डियर। डियर मीन्स हिरन। डियर इज ए ब्यूटीफुल एनिमल्स। डियर रन्स वेरी फास्ट। बच्चों डियर एक सुंदर एनिमल होता है, ब्यूटीफुल एनिमल होता है। और ये क्या होता है, डियर रन्स वेरी फास्ट। डियर क्या होती है, सबसे तेज दौड़ने वाली एनिमल होती है। डियर मीन्स हिरन। आगे देखो बच्चों, दिस इज ए एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट, ई एल ई पी एच ई एन टी, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। दिस इज ए एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। एलिफेंट इज ए लार्जेस्ट एनिमल, ये सबसे लंबा
एनिमल होता है, सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ा एनिमल होता है। और बच्चों दिस इज एन एलिफेंट, इट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, इट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, इसकी लंबी सूंड होती है। बच्चों इसकी क्या होती है, इसकी लंबी सूंड होती है। इट हैज ए लॉन्ग ट्रंक। मेल एलिफेंट हैज ए टू बिग टीथ, मेल एलिफेंट होता है उसकी क्या होती है बच्चों, टू बिग टीथ यानी दो बड़े बड़े दांत होते हैं। एलिफेंट इज ए वेरी लार्जेस्ट एनिमल, ये सबसे बड़ा एनिमल होता है। और बच्चों इट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, इसकी क्या होती है, इसकी लंबी सी सूंड होती है। और बहुत लोग इसकी बच्चों बहुत से लोग इसकी सवारी करते हैं, इसे पसंद करते हैं। आगे देखो बच्चों, जेड फॉर ज़ेब्रा, जेड फॉर ज़ेब्रा, ZEPRA ज़ेब्रा, जेड फॉर ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, जेड फॉर ज़ेब्रा, ज़ेब्रा मीन्स ज़ेब्रा। ज़ेब्रा'स बॉडी हैव ए ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, ज़ेब्रा बॉडी हैव ए ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स। ज़ेब्रा की बॉडी में क्या होते हैं बच्चों, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होते हैं। और बच्चों इट इज मेंबर ऑफ हॉर्स फैमिली, इट हैज ए मेंबर ऑफ हॉर्स फैमिली, ये घोड़े की फैमिली से, घोड़े की फैमिली का मेंबर होता है। इट इज ए मेंबर ऑफ हॉर्स फैमिली। तो बच्चों आज हमने क्या किया, वाइल्ड एनिमल्स, आज हमने किए वाइल्ड एनिमल्स। तो बच्चों देखो, मंकी, चिंपैंजी, बियर, जिराफ, लायन, राइनासोर्स, टाइगर, फॉक्स, डियर, एलिफेंट, ज़ेब्रा, ये क्या थे बच्चों, हमारे वाइल्ड एनिमल्स थे। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन टाइम, विच इज आवर नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है। बच्चों मैंने आपको बताया था हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। विच इज आवर नेशनल एनिमल, तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है बच्चों, मैंने आपको बताया था टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है। तो क्या होगा बच्चों इसमें, टाइगर, तो इसका आंसर क्या होगा, टाइगर, TIGER, टाइगर। सेकंड क्वेश्चन, विच एनिमल हैज ए स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, कौन से एनिमल की बॉडी में स्ट्रिप्स होती है। तो बच्चों आंसर होगा, एक तो बच्चों टाइगर की होती है और ज़ेब्रा की होती है, इन दो की क्या होती है बच्चों, स्ट्रिप्स होती है। तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, टाइगर, TIGER, टाइगर, ज़ेब्रा, ZEBRA, ज़ेब्रा, टाइगर एंड ज़ेब्रा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, विच एनिमल हैज ए लॉन्ग नेक, विच एनिमल हैज ए लॉन्ग नेक, सबसे लंबी गर्दन कौन से एनिमल की होती है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक, जिराफ की क्या होती है, सबसे लंबी गर्दन होती है। तो बच्चों थर्ड का आंसर, विच एनिमल हैज ए लॉन्ग नेक, जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था विच इज अवर नेशनल एनिमल, तो आंसर होगा टाइगर, TIGER, टाइगर। विच एनिमल हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, कौन से एनिमल की बॉडी में स्ट्रिप्स होती है। तो बच्चों टाइगर एंड ज़ेब्रा। थर्ड क्वेश्चन था विच एनिमल हैज ए लॉन्ग नेक, सबसे लंबी गर्दन कौन से एनिमल की होती है। तो बच्चों आंसर होगा जिराफ। तो बच्चों आज आपको अपनी नोटबुक में वाइल्ड एनिमल्स नेम राइट डाउन करने एंड लर्न करने हैं। और बच्चों लास्ट में वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।